up. प्लीज गजराजाओ जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि आप पहले हमें बताइए आपकी थोड़े रोल के बारे में और जो एक्सपीरियंस रहा है आपका सबके साथ काम करने का। पहली चीज तो मैं एक सबमिशन है मेरा, मैंने आमतौर पर जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बड़े दिल के नहीं होते हैं, तो भोनी जी मतलब बड़ा फख्र है मुझे कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। स्टेज पर आप आए और आपने आकाश और जॉय को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर तो इस तरह के बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जो राइटर डायरेक्टर स्टंटमैन तक का भी क्रेडिट ले लेते हैं, तो उसके बीच में आप जैसा इंसान जो इतने, तो ये एक शो करता है कि कितने टीम वर्क के साथ ये फिल्म बनी है। और जैसे फिल्म के अंदर देवगन सर का पार्ट है जो रहीम साहब का, जितना वो ज़िद्दी है उतने ही ये चारों लोग भी ज़िद्दी हैं, बोनी जी जॉय आकाश और मेरे डायरेक्टर अमित। और जैसा कि सब जानते हैं कि कोविड की वजह से साइक्लोन की वजह से 4-5 साल हुए इसके अंदर, लेकिन इन्होंने ज़िद्द नहीं छोड़ी। और मुझे नहीं याद कि कोई भी मोमेंट कोई भी दिन ऐसा गया कि जहाँ पर हम लोग शूट ऐसे कर रहे थे कि यार ये शूट ये दिन निपटाना है, ये सीन फिनिश कर दो। बड़ी ज़िद्द के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ ये फिल्म बनाई है और मुझे बड़ा फख्र है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ये फिल्म सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन इफ दिस मैन इज़ नॉट देयर ये फिल्म कभी भी कंप्लीट नहीं होती थी। ये कभी कंप्लीट नहीं होती थी। आई थिंक इट इज द काइंड ऑफ आई थिंक रेजिलियंस इज हैज एंड द काइंड ऑफ लव ही हैज बोनी सर, हैट्स ऑफ। प्रेमनी, मेरा अगला सवाल आपसे है जी। विदाउट यू सैयद अब्दुल रहीम, जो उन्होंने उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही इंडियन फुटबॉल के लिए, पॉसिबल था नहीं, तो आपके रोल के बारे में कुछ बताइए। मेरे कैरेक्टर का नाम सायरा है, आई ऑब्वियसली प्ले रहीम साहब्स वाइफ। जैसे कि बोनी सर ने बोला था कि शी इज़ द इमोशनल कनेक्ट, शी होल्ड्स द फैमिली टुगेदर व्हेन रहीम साहब इज हिज पैशन फॉर फुटबॉल शोज ऑन स्क्रीन, आई मीन शोज, तो हाउ शी होल्ड्स द फोर्ट ऑन एट होम एंड एवरीथिंग, एंड सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड थैंकफुल दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ऑल थैंक्स टू बोनी सर, उन्होंने मुझे कॉल किया था ना, एक्चुअली नॉट मुझे पर्सनली बट आई गॉट अ कॉल सेइंग बोनी सर सेड विल यू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई सेड हाँ सर आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। देन आई केम, द नेक्स्ट थिंग आई नो इज आई मेट अमित शर्मा, वी स्टार्टेड लुक टेस्ट एंड आई थिंक विद इन 1 week or 10 days of the look test, I was in the film and I'm shooting with the man standing right next to me on my right, and I was so intimidated in this at start because I'm sharing the screen space with none other than Ajay sir. So initially I was really scared, and not scared, I was a little intimidated, but he made me feel very comfortable on the set. Thank you so much sir, it was such an honor to share the screen space with you, and Amit I hope I've lived up to your expectation for this character. मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट कांट वेट फॉर ऑल ऑफ यू टू सी द फिल्म व्हेन इट कम्स आउट बिकॉज आई एम श्योर एवरीबॉडी इज गोना लव इट एंड द प्लेयर्स आई थिंक यू गाइस हैव डन अ वंडरफुल जॉब। वाओ, नहीं इंतजार है एंड वी कांट वेट ईदर। लेकिन सर, बोनी सर ने कहा कि पिक्चर के बाद लोग आपसे नफरत करेंगे, क्यों? सुई मेरे अवार्ड है। और इससे बड़ा अवार्ड क्या होता है एक्टर के लिए। थैंक्स अ लॉट बोनी जी, अमित जी, आकाश चावला जी एंड जय जी, एंड मैंने जो सीखा है टूर पे, तो जब मेरे पास कॉल आया था अबाउट कास्टिंग एजेंसीज, तो एक रोल के लिए 4.5 साल तब सर बच्चा था मैं, फैक्ट्स आया होगा। तो सर उसके बाद तो मैंने पूछा कौन है, तो अजय देवगन जी, तो मेरा ऐसे कुछ हालत आप समझ सकते। तो उसके बाद ऑडिशंस मैं भेजा, उसके बाद और एक फ़ोन आया, सर ये कैरेक्टर नहीं दूसरा कोई। तो मैंने बोला, सोचा कि छोटा हो जाएगा, ख़राब किया है ज़रूर, लेकिन उसके बाद दूसरा कुछ मिला।
तो डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल टू दिस यूनिट. अजय सर से अजय सर के संग काम करने के बाद फ्लोर डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा कुछ अंदाज जो था वो थोड़ा बदल गया. दिस मैन इज डेंजरस डेंजरस. चुपचाप बैठे रहते हैं, उसके बाद आके अमित सर जी ने जो बोला तो वैसे ही चेंज हो जाते हो. कैसे ब्रिलियंस बहुत डेफिनेटली. और गजराज जी वो इतना अच्छा. मैं आई एम फ्रॉम बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, पश्चिम बंगाल से हूँ. मेरा हिंदी बंगला से भी खराब है. ठीक है ठीक है सर. तो सर गजराज जी पहली बांग्ला बोलने लगे तो मैं चौंक गया. उसके बाद बहुत कुछ कहानी सुना उनसे और बहुत कुछ सीखा. थैंक्स ए लॉट. टोटल यूनिट को प्रणाम करना चाहता हूँ. लेट्स गिव इट अप फॉर द एंटायर टीम ऑफ मैदान बिकॉज अब इंतजार है ट्रेलर नहीं बस पिक्चर का. यस सीटी के साथ 3 2 1 जिसके हाथ में सीटी है लेट्स मेक इट लाउड. आ जाओ टीम ऊपर आ जाओ टीम ऊपर आ जाओ टीम कम अप.